दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। देश की जनता के मन में एक सवाल हमेशा उठता है और कौंधता रहता है कि जिस भी किसी राजनीतिक दल की सत्ता केंद्र में हो या राज्य सरकार में उसकी सत्ता हो, उसका राज पूरी तरह से चलता है और वो कानून और संविधान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया घराने और पत्रकार भी सत्ता लोलुप होकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का महिमा मंडन करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, इसके मुताबिक केंद्र सरकार को कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो अधिकार प्रधानमंत्री को केंद्र में हासिल है, संविधान के हिसाब से कमोबेश वही अधिकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर विपरीत दलों की है तो उनमें अक्सर रस्साकसी होती है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मसलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और न जाने कितने महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अन्य राज्यों सहित जैसे झारखंड में भी और उड़ीसा में दूसरे दलों की सरकारें हैं। इन राज्यों से हमेशा केंद्र सरकार से तनातनी बनी रहती है। ये संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। केंद्र में सत्तासीन सरकार को सभी राज्य सरकारों से समान रूप से संबंध बना के रखना चाहिए। ये संघीय ढांचे का भी तकाजा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी। राष्ट्रहित में जारी। जय हिंद, जय भारत।